नमस्कार। वर्तमान में बिहार में अभी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो कल फ्लो टेस्ट में अगर वो पास करेंगे तब ना मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है। जैसा जीतन राम मांझी को भी हम लोग सुन लिए थे कि उन्होंने भी कहा था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, दो रोटी कम से कम चाहिए तब मेरा पेट भरेगा। और कल जो है श्रवण कुमार के यहाँ जो आवास पर जो भोज भी थे, उस भोज में भी जेडीयू के बहुत सारे विधायक नहीं आ पाए थे, ठीक है। उन्होंने कुछ निजी कारणों का हवाला दिया था कि कोई गोवा में है, कोई जो है कि बीमार है, या फिर कोई अपने क्षेत्र में कार्यरत है, कहीं किसी का कार्यक्रम है। तो फिर इस तरह से कल हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे विधायक जो है कि जेडीयू के, वो श्रवण कुमार के भोज में शरीक नहीं हो पाए थे, ठीक है। कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनको जो है हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है और आज अनुमान है कि वो आज शाम तक पटना चले आएंगे। और कल फ्लोर टेस्ट में देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है, किसका बहुमत साबित होता है, ठीक है। मुझे तो लगता है नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। तेजस्वी यादव भी बहुत पुरजोर लगाए हुए, पूरा जोर लगाए हुए हैं, ठीक है। आरजेडी भी अपना पूरा दमखम दिखाने की कोशिश में है। अब देखिए कि किस तरह से कल क्या होता है। आरजेडी के पास वैसे, आरजेडी गठबंधन के पास वैसे जो है कि 115 विधायक हैं और इनके पास जो 128 विधायक है, ठीक है। 122 का जो आंकड़ा होता है, 122 को जो पार करेगा वही जो सरकार बिहार में उसी की सरकार बनेगी। अब देखिए कल किसकी सरकार बनती है।